धरती पर जंग होने की वजह से पूरी धरती पूरी तरह से तबाह हो गई थी, इसलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वो वहां जाकर बाकी के इंसानों के लिए कॉलोनी बना सकें। जब सारा काम हो गया तो इंसान धरती को छोड़कर चांद पर रहने लगे, लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहां पर तूफान आते थे और इसलिए इन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े, जिसके बाद इंसानों ने चांद पर माइनिंग करना शुरू कर दिया ताकि वो चांद पर रहने का आसान हल ढूंढ सके। तो बहुत से लोगों को माइनिंग के लिए रखा गया जिन्हें माइनर्स कहा गया, और यह भी रूल भी बनाया गया कि माइनर्स अपनी फैमिली के साथ चांद पर रहेंगे। अब यह माइनर्स के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि चांद पर ही पैदा हुए थे। वो सभी स्पेस रोवर यानी जो गाड़ी स्पेस में चलती है उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर कोई आता है जिसे डरकर वो सभी छुप जाते हैं। इनमें से एक बच्चा जिसका नाम गालिब होता है, उसके हाथ में एक कैप्सूल था। उसके डैड भी एक माइनर थे जो कि काम करने के दौरान मारे गए। गालिब को 3 दिन बाद ओमेगा पर भेजने का फैसला किया जाता है, जहां पर उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जहां पर जिंदगी हर तरह से खुशहाल है। यहां में यह भी बताया जाता है कि चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, इसलिए सफर करने वाले इंसान को एक चैम्बर में रखा जाता है जहां उसकी उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वो उतने ही साल का होता है। गालिब को पता था कि उसे ओमेगा पर पहुंचने के लिए 75 साल लगेंगे, पर वह ओमेगा पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि इसके बाद वह अपने दोस्तों से कभी नहीं मिलेगा। उसे एक लेडी बताती है कि अगले मैचर का तूफान शुरू होने वाला है, जिसके बाद तुम्हें ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। गालिब को अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। वह याद करता है कि कैसे वो बहुत ऊंचाई पर जाकर यहाँ के बेस पर अपने डैड के साथ बैठा करता था। उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि चांद के उस पार कोई खतरनाक चीज आकर टकराई, जिसकी वजह से वहाँ एक क्राटर बन गया। वे गालिब से कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाकर देखना, पर वहाँ पर इंसानों का जाना मना था। गालिब ये सब सोच ही रहा था तभी उसके 3 दोस्त आते हैं जो उसके जाने पर बहुत दुखी थे। उसका एक दोस्त जिसका नाम डैलन होता है, वो गालिब के डैड की आखिरी ख्वाहिश को जानता था जो क्राटर के पास जाने की थी। डैलन कहता है क्यों ना हम तुम्हारे जाने से पहले क्राटर को देख कर आए, तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं था। वहां जाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है ये उन चीजों को इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें बाहर जाने के लिए एक कोड की जरूरत थी। डैलन बताता है कि यहाँ एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले जमीन से चांद पर शिफ्ट हुई थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह एक साइंटिस्ट की बेटी थी। डैलन कहता है कि क्या पता उसको कोड के बारे में पता हो। जब डैलन एडिसन से बात करने जाता है तो उसे कोई बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। डैलन उसके पीछे जाता है और उससे सारी बात बताता है कि मैं तुमसे शुरू से ही दोस्ती करना चाहता था, चाहे तुम्हें कोई भी अजीब समझता हो। एडिसन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारे इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। डैलन उसकी बात सुनकर उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे रोवर स्पेस के पास पहुंच जाते हैं। वो सभी उसे चुरा रहे थे। गालिब अलार्म के तार को पहले ही खींच देता है ताकि अलार्म ना बज पाए। फिर वह एडिसन को बताया हुआ कोड डालता है जिससे इसका दरवाजा खुल जाता है। अब ये जाने के लिए तैयार थे। रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डैलन पर थी क्योंकि वो ही ड्राइविंग जानता था। ये वहां से निकल जाते हैं। इन्होंने पहली बार चांद की सतह को देखा था। सभी बहुत खुश थे, पर इन्हें मैचर के तूफान के आने से पहले वापस आना था। रास्ते में सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। गालिब बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और कैसे उन पर माइनिंग करवाई गई, पर चांद पर रहकर माइनिंग के काम को कोई भी इंसान लगातार नहीं कर सकता। अगर वो इंसान काम के दौरान मर जाए तो उसके बेटे या उसकी फैमिली को वो काम पूरा करना होगा। बस इसके लिए शर्त यह होती है कि उस इंसान के बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर वो कम का होगा तो उसे ऐसे ही दूसरे फैमिली को गोद दे दिया जाएगा जो ओमेगा प्लानेट पर रहते होंगे। जिन्होंने लोगों को चांद पर भेजा था वो तो हंसी खुशी ओमेगा पर रह रहे हैं। एडिसन कहती है कि तो क्या हुआ, माइनिंग का ही तो काम है जो केवल 20 साल तक ही करना है। एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी थी तो उसे असल बात नहीं पता था। डैलन उसे समझाता है कि अगर माइनिंग करता हुआ इंसान मर जाए तो उसके बेटे को बाकी साल पूरे करने होते हैं। यह सुनकर एडिसन काफी हैरान थी। अब आगे का रास्ता इन्हें पैदल चलकर पूरा करना था। ये सभी अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। एडिसन का सूट इन सब से अलग और अच्छा भी था। सभी बाहर आ जाते हैं और ग्रेविटल फोर्स ना होने के कारण सभी उछल उछल कर खेलने लगते हैं। एडिसन जब धरती की तरफ देखती है तो थोड़ी उदास हो जाती है। वह अपने पुराने पलों को याद करने लगती है। जब एडिसन वापस आती है तो देखती है कि गालिब डैलन सभी ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से स्पेस में उड़ जाया करते थे।
थे। इन्होंने खुद को सरोवर के साथ रस्सी से बांधा हुआ था ताकि ये सिप इससे ज्यादा दूर तक ना जा पाए। एडिसन उनसे कहती है कि ऐसा मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। तभी यह सब डेलिन का छोटा दोस्त करने लगता है। तभी उसकी रस्सी खुल जाती है और वह सिपेस मोड़ने लगता है। गालिब और डेलिन सिपेस में अपने सिलेंडर के लेकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सभी ने मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया था, पर इस सब में उसकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इनके पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि ये क्रिएटर तक पहुंच पाते। तभी गालिब को याद आता है कि उसके दोस्त ने बताया था कि इधर ही एक आउटपोस्ट है, क्या पता इन्हें वहां जाकर ऑक्सीजन मिल जाए। इस पर गालिब का दोस्त कहता है कि उधर मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वहाँ पर भूत रहते हैं। यह सुनकर डेलिन उसका मजाक बनाने लगता है। इसी बात पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो गालिब उन्हें चिल्लाकर समझाता है और दोनों की दोस्ती करवाता है। अभी उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जिधर बहुत अंधेरा था। यहाँ इन्हें इंसानों की परछाई दिखती है जिसे देखकर वे बहुत डर जाते हैं। जब वे लाइट जलाकर देखते हैं तो वे सब पुतले होते हैं और ये कोई आउटपोस्ट नहीं बल्कि घर का मॉडल था कि अगर इंसान चांद पर रहते तो ऐसे घरों में रहते। वहां पर इन्हें थोड़ा खाना और ऑक्सीजन भी मिल जाती है। रात भी हो गई थी, इसलिए सभी यहाँ रात गुजारने का फैसला करते हैं। डेलिन अपने बारे में एडिसन को बताता है कि मेरे डैड मुझे अकेला छोड़कर चले गए। एडिसन भी अपने बारे में बताने लगती है कि मेरे मॉम डैड का तलाक हो गया था, जिसके बाद मेरी मॉम मेरे छोटे भाई को लेकर ओमेगा प्लैनेट पर चली गई। मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। सभी दोस्त सो जाते हैं पर गालिब और एडिसन अभी तक जाग रहे थे। गालिब एडिसन से कहता है कि मेरे डैड की मौत के बाद मेरे दोस्त डेलिन ने मुझे सहारा दिया, वही मेरा सब कुछ है। मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा, डेलिन अकेला रह जाएगा। पर वह एडिसन से डेलिन के साथ रहने को कहता है। अगली सुबह ये अपना सफर आगे की ओर शुरू करते हैं, पर इनके रोवर की बैटरी खत्म हो गई थी। इनके पास ऑक्सीजन भी कम थी और मैचर के तूफान के आने से पहले क्राटर तक पहुंचना था। तभी एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया ताकि मैचर के तूफान के आने से पहले गार्ड्स इन्हें बचा लें। अब ये क्राटर यानी उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं जो काफी बड़ा था। ये सीढ़ियों से उतरकर एक अजीब सी जगह पर आ गए थे जहां की दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर आता है। वह जैसे ही उस बटन को दबाती है तो वहाँ सारी चीजें बदलने लगती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ये जमीन पर हो, ये बिल्कुल रियल लग रहा था। गालिब एक पत्थर हटाकर देखता है तो उसके नीचे उसे अपने मॉम डैड की तस्वीर मिलती है। गालिब ने अपनी मॉम को पहली बार देखा था। वो सब समझ जाता है कि उसके डैड क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत दुखी था। डेलिन उससे कहता है कि तुम अपने जीवन के इस हसीन चांस को क्यों गंवा रहे हो। यहाँ पर हर इंसान यही चाहता है कि वो माइनिंग के काम को पूरा करने के बाद ओमेगा पर जाए, और वो बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारे डैड ने इसलिए जान दे दी। यहाँ पर उसे यह बात पता चलती है कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली थी ताकि गालिब को ओमेगा पर भेज दिया जाए और वह अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सके, जिसके बारे में गालिब के अलावा सब जानते थे। डेलिन कहता है कि तुम अपने डैड के गिफ्ट को लेने से इनकार मत करो, उन्हें तुम्हें अपनी जिंदगी देकर यह तोहफा दिया है। डेलिन की बातों के दौरान उनके एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। ये जल्दी से यहाँ से निकलकर अपनी रोवर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ मैचर का तूफान शुरू हो गया था। सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इस बीच एडिसन इनसे अलग हो जाती है। जब इन्हें एडिसन नहीं दिखती तो डेलिन और गालिब उसे ढूंढने लगते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आ जाती है, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। ये दोनों एडिसन को बचा लाते हैं, लेकिन इसी बीच डेलिन भी गिर जाता है, पर उसे गालिब ने बचा लिया था। सभी रोवर के अंदर आ जाते हैं। उनके रोवर की खिड़कियां भी मैचोर के तूफान की वजह से टूट गई थी। इनके पास ऑक्सीजन भी कम थी तो इनका बच पाना बहुत मुश्किल था। इन्हें लग रहा था कि अब ये नहीं बच पाएंगे, लेकिन इन्हें इस बात की खुशी थी कि ये सभी साथ में मरेंगे। इसके बाद सभी बेहोश हो जाते हैं। आगे हमें मूवी की कहानी कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है। हमें गालिब दिखाया जाता है जो ओमेगा पर पहुंच गया है, मतलब उस हादसे को 75 साल हो चुके थे और उसकी चैम्बर की वजह से उम्र बिल्कुल पहले जैसी ही थी। उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था तो एक नर्स उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है जिसमे उसके दोस्तों के मैसेज रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि उस दिन इन सबको बचा लिया गया था और सभी ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली थी। वह बहुत खुश था पर इस बात पर बहुत दुखी था कि वह अपने दोस्तों के साथ जिंदगी नहीं गुजार सका। ओमेगा पर गालिब को एक फैमिली गोद ले लेती है। वह वहां के माहौल में घुल मिल जाता है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर हमारी मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।